अब देखो यहाँ का टॉपिक है लोकतंत्र, ठीक है। तो लोकतंत्र का मतलब है दो शब्द, ठीक है। एक शब्द है इसमें लोक, दूसरा क्या है तंत्र। लोक का मतलब होता है लोग, और लोक का मतलब जनता, और तंत्र का मतलब तांत्रिक विद्या नहीं सत्ता। तो तंत्र का मतलब क्या हो गया, सत्ता, और सत्ता का ही दूसरा नाम क्या है, शासन। तो लोक का शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र। अब लोकतंत्र की परिभाषा क्या बनती है वो देखो, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, ठीक है। डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। ये परिभाषा है अब्राहम लिंकन की। उनके हिसाब से लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के हेतु किया गया शासन है। मतलब कुल मिला के इसमें सुप्रीम मेजोरिटी में कौन है, जनता। जनता के लिए होगा और कहने वाला भी कौन होगा, जनता। और वो योजना किसके द्वारा की जाएगी, जनता के द्वारा। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र। अगला देखो इंग्लिश में आप, फिर लोकतंत्र इंग्लिश के शब्द से बना है डेमोक्रेसी। इंग्लिश में क्या होता है लोकतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी शब्द निकला है यूनानी भाषा के डेमोक्रेसिया से। और डेमोक्रेसिया में डेमोस का मतलब होता है लोक, और क्रेसिया का मतलब होता है शासन, ठीक है। अगली चीज देखो फिर यहाँ पे, लोकतंत्र के अंदर तीन प्रकार की न्याय की व्यवस्था होती है, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। राजनीति में जानते ही हो, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। सामाजिक मतलब मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में उसको रहने के लिए जो अधिकार चाहिए उन अधिकारों की बात होती है। और आर्थिक मतलब पैसा कमाने की छूट। अच्छा यहाँ पे भी आती है स्वतंत्रता। तो तीन प्रकार की आजादी मिली है, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। यहाँ पर आर्थिक ऐड नहीं है, क्यों नहीं ऐड है, मूल अधिकारों में संविधान आते समय इंडिया का जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या था, मूल अधिकार। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि संपत्ति के अधिकार में जो जितनी चाहे संपत्ति बना सकते हैं, तो ऐसे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। कुछ लोग मिलकर काम कर सकते हैं कि ज्यादा संपत्ति को अपने पास रख सकते हैं, तो फिर बाकी लोगों को संपत्ति कहाँ से दी जाएगी। तो कुछ नियम बनाए गए, उसके हिसाब से इंडिया के अंदर संविधान में ये प्रावधान है कि जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है, एक विधिक अधिकार, एक कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। आगे फिर देखो, सबसे पुराना लोकतंत्र किस देश में है, तो सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका देश में, ठीक। सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत में। लोकतंत्र की जननी मतलब लोकतंत्र कहां से पैदा हुआ, उसकी माता कौन है, वो कहते हैं ब्रिटेन की संसद को। फिर स्विट्जरलैंड को लोकतंत्र का घर कहते हैं। फिर आती है एक बात, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। जितनी भी चीजें पढ़ती हैं उन सब के लिए एक दिन निश्चित है ना, जैसे बाल दिवस हो गया, अहिंसा दिवस हो गया, योग दिवस हो गया, मतलब हर चीज के लिए एक स्पेसिफिक डेट है। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं 15 सितंबर को, ठीक। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद से जितने भी देश थे जहां पे जो गुलाम थे दूसरे देशों के, उन सभी को क्या किया गया, आजाद कर दिया गया। और जितने भी राष्ट्र आजाद हुए उन सभी ने किसको चुना, लोकतंत्र को चुना। राजशाही, तानाशाही, साम्यवाद, इन सबको छोड़कर, सब चीजों से ग्रसित होकर उसके बाद लोगों ने किसको चुना, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्यों चुना, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों के पास ये अधिकार होता है कि लोग अपने शासन व्यवस्था को अपनी प्रकार से बना सकते हैं। सुप्रीम मेजोरिटी में कौन होगा लोकतंत्र में, जनता होगी। अब लोकतंत्र दो प्रकार के, नंबर एक प्रत्यक्ष और नंबर दो अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये होता है कि जितने भी नीतिगत फैसले होते हैं उन सब के लिए वोटिंग कौन करता है, नागरिक करते हैं, उस देश के लोग करते हैं। जितने भी फैसले बनेंगे, नए कानून बनेंगे, सब में नागरिकों को अधिकार है वोट डालने का। ऐसी व्यवस्था स्विट्जरलैंड जो देश है ना, वहां पर है। जो भी कानून बनेगा वहां पे मतदान होता है, सारे लोग वहां पे वोटिंग करेंगे। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में ये होता है कि जनता कुछ लोग को चुन लेगी, और कुछ लोग को चुनने के बाद उनसे क्या करेगी, अपना शासन व्यवस्था चलाएगी। वो जो लोग चुने गए हैं, जो जनप्रतिनिधि कहलाते हैं, वो उस देश सरकार को चलाएंगे। जैसे भारत में होता है, यहाँ क्या होता है, राज्य के लेवल पे लोग विधायकों को चुनते हैं, फिर विधायकों के समूह के द्वारा उनके नेता चुने जाते हैं, क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री उस राज्य के लिए नीतिगत फैसले लेते हैं मंत्रिपरिषद के सहयोग से, और जो
कार्यकारी अधिकारी होता है विधायी तौर पे, वो कौन होता है? राज्यपाल। ऐसे ही देश में राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्री परिषद होती है। इसके अलावा लोकतंत्र में, अच्छा लोकतंत्र की कसौटी क्या है, पता कैसे चलेगा कि लोकतंत्र किसी देश में सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं? तो उसमें तीन चीजें हैं, निष्पक्ष, नियमित और स्वतंत्र चुनाव। अगर किसी देश में निष्पक्ष तरीके से नियमित तौर पर मतलब कि हर 5 साल पे 6 साल पे जो भी उस देश में कंडीशन तय की गई है। भारत में क्या है, हर 5 साल पे चुनाव होते हैं। निष्पक्ष का मतलब ये है किसी प्रकार कोई धांधली ना हो, निष्पक्ष हो, नियमित हो और स्वतंत्र हो, मतलब जो व्यक्ति है जिसको चाहे उसको वोट दे सकता हो, चाइना के जैसा ना हो। चाइना में क्या है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसी के लोग खड़े होते हैं, सामने पे खड़ा होता नहीं है, तो लोगों की मजबूरी है कि वोट किसको देना है, उसी को देना है, ऑप्शन कुछ है ही नहीं। तो निष्पक्ष, नियमित और स्वतंत्र चुनाव जिन देशों में होते हैं वहां पे लोकतंत्र सही प्रकार से काम करता है। इसके अलावा लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा नागरिकों के जो मूल अधिकार है वो क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि अगर लोगों को लगता है कि जनप्रतिनिधि से विकास काम नहीं कर रहे हैं तो हर अगले चुनाव में वो उनको बदल सकते हैं, और अगर अच्छा काम करते हैं तो आपस से वो जीत जाते हैं। तो कुल मिला के शासन में कौन रहता है, शासन में लोग ही रहते हैं उस देश के, लोग के अलावा कोई शासन नहीं करता। तो इसलिए लोकतंत्र क्या फायदेमंद चीज है, ठीक है, आगे समझ।